आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे। जैसा कि प्रेमियों, नित्य श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और महात्माओं के आशीर्वाद से और आप सभी के स्नेह से नित्यम साधु महात्माओं के दर्शन और उनके आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं और ये सब संभव हो पा रहा है श्री जी की कृपा से। तो प्रेमियों, आज ऐसे दिव्य संत के दर्शन करने के लिए आप और हम आए हुए हैं महात्मा के श्री चरणों में, जहाँ पे हम कुछ ऐसे अपने जीवन के व्यावहारिक सवाल हैं और सत्संग का तो आनंद लेने आए हुए ही हैं, क्योंकि महात्मा के चरणों में जाएं और सत्संग का आनंद ना मिले तो ऐसा तो असंभव है। तो प्रेमियों, आज ऐसे दिव्य संत के दर्शन के लिए आए हुए हैं जो बहुत लंबे समय से यहाँ पे बरसाना में रह के साधना कर रहे हैं और उनको शारीरिक कष्ट भी हैं कुछ, पर वो सारी चीज़ें भुला दिए हुए हैं। उन्हें केवल श्री जी का चिंतन, ठाकुर जी का चिंतन है केवल, और उन्हें इस बात की भी टेंशन नहीं है कि मेरी दवाएँ कैसे व्यवस्थित होंगी, मेरी बीमारी जो है, मुझे जो समस्या है, बीमारी नहीं, जो भी एक अड़चन है साधना में, उसकी कैसे क्या होगा, तो कुछ भी उन्हें उसकी चिंता नहीं है। वो केवल चिंतन में लगे हुए हैं और कहते हैं जो करेगा वो ठाकुर करेगा, यानी कि श्री जी करेंगी। तो ऐसा महात्मा का भाव है, उसी भाव के दर्शन करने के लिए आप और हम चल रहे हैं। और आपसे निवेदन है प्रेमी, आप सत्संग पूरा सुना करें, क्योंकि सत्संग है ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो कि एक मनोरंजन का हो, ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत उद्देश्य आप इसे मान सकते हैं। सत्संग जीवन का आधार भी है, उद्देश्य भी है। तो लगातार मैं आपसे ये विनती इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सत्संग तो कम से कम पूरा सुने, और जो ब्रजव्यास जो भी कर पा रहा है श्री जी की कृपा से, वो साधारणतः महात्माओं की कृपा दृष्टि है जो सब ये इतना संभव हो पा रहा है, जो इतना दिव्य सत्संग हम सुन पा रहे हैं, उसका आनंद ले पा रहे हैं। तो बस आपसे निवेदन कर सकता हूँ, बाकी श्री जी की इच्छा, श्री जी की कृपा है जो चल रहा है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण और आनंददायक है, बहुत ही रमणीक है। तो अब आप और हम चलते हैं महात्मा के चरणों में और आनंद लेते हैं सत्संग का। और आपसे एक निवेदन और है, आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि नित्य साधु महात्मा के जो दिव्य सत्संग हम सुन पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं, जो आप तक तुरंत पहुँच जाए करें, जैसे ही कोई दर्शन हो आप तक एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो दर्शन कर पाए। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं महात्मा के चरणों में। तो ये रास्ता ऐसे करके गया हुआ महात्मा के चरणों में, जय श्री राधे। चलिए अब हम महात्मा के कुटिया पे पहुँच के आनंद लेते हैं सत्संग का। राधे राधे, श्री राधा, श्री राधा। हम आपको बता रहे थे हम महाराज जी के चरणों में पहुँच गए और सत्संग का आनंद लेते हैं, और जो भी हमारे जो प्रश्न होते हैं जो दैनिक जीवन के, उनको महाराज जी के श्री चरणों में रखेंगे। और महाराज जी यहाँ पे विराजमान है, राधेश्याम महाराज जी, जय राधेश्याम महाराज जी, जय महाराज जी, राधे राधे। ये महाराज जी आपका, ये अच्छा महाराज जी, हम सत्संग के प्रेमी हैं और ऐसे महात्माओं के दर्शन करते रहते हैं, और श्री जी की कृपा से आपके भी दर्शन हो गए आज। तो सर्वप्रथम आप स्वास्थ्य के बारे में अवगत करा दें कि आपका स्वास्थ्य अभी कैसा है। सर ठीक नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा ना, हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, यही चल रहा है, किस तरह भगवान का नाम से चल रहा है। तो महाराज जी जो दवा वगैरह कैसे, कुछ नहीं, कोई आता है भक्त तो देता है तो दवा लेता ही नहीं, तो नहीं कोई भक्त आके कछु दे तो हम दवा ले लेते हैं जी, और नहीं देता है तो हम दवा नहीं देते, जो करेगा ठाकुर जी करेगा। तो भगवान से तो परेशानी क्या करेगा, हम लोग का परंपरा में मांगना नहीं है, कोई अपना मन से दे जी तो भाई दवा ले आओ, कोई मन से ना दे तो मत मांग। हमारा जी दवा के लिए व्यवस्था नहीं बन पा रही है, नहीं व्यवस्था नहीं बन पा रहा है, कोई भक्त देता है तो दवा लेता है, नहीं देता है तो नहीं लेता है, पड़ा रहता है। प्रेमियों आप सुन रहे महाराज जी, देखो स्वयं जैसे कि संतों का जो समर्पण होता है, त्याग होता है, वो ठाकुर जी के लिए होता है। अब महाराज जी बता रहे हैं कि हमें दवा की भी हम खुद से नहीं करते, जो यदि
जो सेवा कर जाते हैं तो हम दवा भी लेते हैं, मतलब दवा जैसी चीज भी महाराज जी व्यवस्था नहीं करते हैं। ये चाहे तो क्या नहीं कर ले, पर जब समर्पण कर दिया तो फिर उसके बाद व्यवस्था खुद से लेंगे, वो ठाकुर जी के ऊपर। अरे महाराज जी आप तो बहुत, मतलब ये ऐसे समर्पण तो और ऐसे त्याग तो महाराज जी बहुत कभी कभी देखने को मिले, जो क्योंकि हमारा तो शरीर ही है जाके वजह से हम साधना कर पा रहे हैं। यदि यही छूट जाएगा महाराज जी फिर कैसे साधना कैसे पूरी होगी महाराज? साधना पूरा का मन लगा के संसार से दूर रहो, मन लगा के जितना भजन करना है संसार से दूर रह के भजन करो निराला एकांत में, तो एक दिन ठाकुर जी आपको सहयोग करेंगे। जैसे महाराज जी हम जैसे जीवों को तो अपने जो सबसे ज्यादा प्रिय देह ही होती है, क्योंकि सारी चीजें हम करते हैं, खाना पीना कपड़े पहनते हैं वस्त्र आदि, और महाराज जी फिर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तो जैसे इस जो आपके साथ देखो हम समस्या लोग का है। स्वास्थ्य ठीक रहे चाहे ना रहे, हम लोग भगवान पर भरोसा करते हैं। शिव जी है, शिव जी देखता है, जी चल जाता है, किसी जगह चल जाता है। देखो देने देने का मतलब नहीं है, कोई दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, मांगना नहीं है। हम लोग का परंपरा में इतिहास है, मांगो मत, कोई मांग अपना मन से दे तो रखो दवा ले, नहीं तो मांगना नहीं। मांग। और महाराज जी जैसे कि अब यहाँ पे एक बार कुटिया दिखा दो महाराज जी की, कि महाराज जी अपने लिए प्रसादम आदि आप स्वयं से तैयार करते हाँ हैं नित्य नित्य प्रतिदिन। प्रतिदिन अरे महाराज जी आप प्रेमियों देख, अब आप ही देख लो, इसमें कहने की भी आवश्यकता नहीं कि ये महाराज जी की, महाराज जी यही कुटिया इसी में सारा काम, मतलब रहना हाँ भजन करना और प्रसादम आदि इसी में कर लेते हैं इसी आप। में कर लेते। ये ठाकुर जी जय हो, ठाकुर जी के दर्शन करवाते महाराज जी सेवा पूजा, ये तो मतलब इसी कुटिया में महाराज जी अपने प्रसादम भी करते हैं और सारे, इतनी समस्या के बाद भी। महाराज जी उम्र तो है ही काफी, हाँ 76 76 76 वर्ष की उम्र में भी और महाराज जी हम सारी चीजें कर दो रहे हैं। तीन साधु को हम प्रसाद देते हैं रोज, अच्छा आप प्रसाद देते भी हैं? हाँ अरे रोज महाराज जी विष्णु बाबा को देते हैं और दो दो साधु आता है उसको देते हैं। जी बहुत, मतलब आज तो हम धन्य हो गए जी आप जैसे महात्मा के दर्शन हो गए, क्योंकि आजकल तो महाराज जी संसार में इतना लोभ हो गया है कि अपने लिए हम व्यवस्था करते हैं, और जैसे यदि कोई मांगने भी आ जाए तो थोड़ा सा हम सकुचा दे तो देते हैं, क्योंकि हमें ये भी डर लगा रहता है कि ऊपर वाला देख रहा है, उस डर से दे देते हैं, लेकिन मन से नहीं दे पाते हैं। तो महाराज जी जैसे हम महात्मा के दर्शन करते हैं तो एक दो हम प्रश्न जैसे हमारे मन में होते हैं, और जो भी सत्संग प्रेमी है उनके प्रश्न हम तक आ जाते हैं तो हम श्री चरणों में रखते हैं, तो उनसे ही मिलते जुलते एक दो प्रश्न यदि महाराज जी आपकी कृपा हो तो रख दें। जी महाराज जी एक प्रश्न ये था कि जैसे लोभ को ही ले लें, अब हमारे अंदर जो लोभ है हम कहीं ना कहीं अपने लिए सारी चीजें व्यवस्था कर रहे हैं, धन भी अर्जित कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें भी एक लोभ है कि हमारे लिए सारी व्यवस्था बन जाएगी, और हमें ये भी पता है कि ये 2 दिन की कोठरी है, यहाँ पे आज है कल नहीं है, कुछ भी पता है। तो महाराज जी जैसे जीवन का ये उद्देश्य तो नहीं होगा, संपत्ति हम अर्जित करें यहाँ पे, तो जीवन का महाराज जी क्या उद्देश्य है जिसे हम समझ पाए? दूसरा एक ही रहना चाहिए, एकांत में भजन करो, एकांत में भजन करो तो भगवान को साक्षात दर्शन हो जाता है और सब झमेला हटाओ। एकांत में चुपचाप अपना हाथ धोकर अपना आसन लगा के भजन करो, उसमें आपको कोई डिस्टर्ब करने ना पाए। जी अगर ऐसा अगर करोगे एक दिन आपको पहुँचना ही है, पहुँच जाओगे बस इतना। तो महाराज जी फिर हम तो संपत्ति जैसे अर्जित कर रहे हैं तो उसका क्या होगा अंत में, वो तो सब यहीं पे रह जानी है, फिर भी हम लगे हुए यहीं से लगे रहो लगे रहो, लगे रहने से ही फायदा है, लगे रहने से ही फायदा है। ठाकुर जी का नाम पर वो भगवत कथा श्रवण करो, करो मत श्रवण करो, इसमें ही फायदा है। भगवत श्रवण करने से फायदा है, भगवान का मर्जी है, भगवान जिसे जो करा लेता है। और ठाकुर जी सब करते हैं जब उनके ऊपर सारी चीजें, करने वाले वही है, वही है करा लेता है, उसे करा लेता है सेवा हो जाता है। जब विनोद दास पहले आया था यहाँ 42 साल हो गया, त्याग बैरा को भजन किया, अब राधा का दर्शन नित्य सेवा उसका दर्शन होते ही रहता है। ऐसा महात्मा है दो चार है, वृंदावन में दो है, यहाँ दो है, चल जाता है दर्शन होते हैं। हाँ आज भी दर्शन हाँ श्री जी उन्हें देती हैं रोज रोजाना,
रोजाना? हाँ रोजाना श्री जी का दर्शन होता है, रोजाना श्री जी के दर्शन जी हो जाता है, दुर्लभ है लेकिन वीर बाबा का दर्शन हो जाता है जी। सेवा भाव है, भजन का ताकत है, दर्शन हो जाता है। यहाँ दो महात्मा है बस, वीर बाबा इस्लाम बाबा जी, और वृंदावन में दो है, वृंदावन में दो हो जाता है। प्रेमियों जो अब संत संत भगवान स्वयं बता रहे हैं आज श्री जी उन्हें दर्शन देते हैं, क्योंकि जो साधना हम कर रहे हैं साधन से ही दर्शन होता है, दर्शन होते हैं। आज बोध यदि हम सच्चे मन से करें दर्शन होगा, दर्शन होते हैं, होगा ही होगा, निश्चित रूप से दर्शन होगा। मन से, मन से करो जी। मन से करो, ऊपर से नहीं जी। लोभ लाला ये सब हट दो, ये सब दो दिन का मामला है, अगर ये सब छोड़ दोगे तो भजन आपको आगे निकलेगा। जैसे कि यदि हम भजन करें, करने का प्रयास करें, हम तो अभी इसमें ही फंसे हुए हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि संतों के आशीर्वचन से, चरणों के दर्शन से कोई ऐसी प्रेरणा जगे कि हम ठाकुर जी की में लीन हो जाए। जैसे महाराज जी यदि कभी श्री जी दर्शन दें तो हमारी तो एक एक मूल प्रवृत्ति है कि हम मांगते हैं कुछ ना कुछ, या तो कोई महात्मा हो उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो यदि महाराज जी ऐसी स्थिति बने कि ठाकुर जी के दर्शन हो और तो उनसे हमें क्या मांगना चाहिए? कि कुछ नहीं मांगना चाहिए, उसको आप तो समर्पण कर दो, वो अपने आप देख लेंगे। आत्मा को समर्पण कर दो उसका श्री कन्हे का चरण में, भगवान का चरण में आत्मा समर्पण कर देगा तो कुछ ना कुछ फायदा ही है। समर्पण कर दे वहाँ पे भी ऐसी मांगना कुछ नहीं है, भगवान से मांगना कुछ नहीं है, भगवान जैसा रखा है वैसे ही ठीक है और ऐसे ही रखो तो बढ़िया है। हम आपको आपको समर्पण कर दिया, अब आगे जानो क्या होना है क्या नहीं होना, ये आप जानो, आप देखो ठाकुर जी, ठाकुर जी, ये एकदम सत्य वचन है महाराज जी के। यदि ठाकुर जी देखो, ठाकुर जी तो किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आते ही रहते हैं, पर हमारे आंखों पे कोई ना कोई मोह माया होती है, हम पहचान नहीं पाते। लेकिन यदि ऐसी स्थिति बने तो ठाकुर जी के आगे समर्पण हो जाए सबसे बेहतर यही है, कहीं ऐसा ना हो कि उनसे भी हम कुछ मांगने लग जाएं, वो भी बेकार देखो। जैसे महाराज जी एक प्रश्न ये और था कि जैसे कि हम संसार है तो ग्रस्त में हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रस्त की समस्या सामने खड़ी रहती है। महाराज जी हमारे जो पड़ोस में हैं तो उनसे थोड़ा हमारा वो नहीं बन पा रहा प्रेम भाव, हम प्रयास भी करते हैं कि ये ईर्ष्या छोड़ दें, क्रोध छोड़ दें, लेकिन हम प्रयास करते हैं दर्शक कि हम उनसे प्रेम से बोलें, प्रेम से जीवन यापन करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उनकी जो हरकतें हैं या फिर उनके विचार हैं पसंद नहीं आते, जिससे मन में दोबारा से वही स्थिति बन जाती है क्रोध ईर्ष्या घृणा की। तो इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए महाराज? छुटकारा का अति सरल रास्ता है जी। अगर तुमसे प्रेम नहीं बनता, तुम प्रेम का काबिल नहीं हो, तुम अपना रास्ता में चलो, मैं अपना रास्ता में चलूंगा, बस राधे राधे, ऑटोमेटिक वो आपको छूट जाएगा। हम अपने रास्ते में और का तुम अपना रास्ते में चलो, मैं अपने रास्ते में चलो, प्रेम भाव भगवान का कथा ये सब श्रवण करो तो अच्छा है, बढ़िया है। तुम पुराना हरकत छोड़ दो, भगवान का चरण में आ जाओ, शरण में रहो, सब ठीक है। वो जैसा कर रहे हैं वो छोड़ दें, हाँ ध्यान दो। लेकिन महाराज जी वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा उत्तेजित करते हैं कि हम उनके प्रति या तो कोई ऐसा काम कर देंगे जो हमें पसंद नहीं है, और वो जानते हैं कि इससे इसको कोई ना कोई क्रोध आएगा, लेकिन वो फिर भी ऐसा काम कर देते, फिर उससे हमारे मन में क्रोध आता है, और फिर बताते हैं साधु महात्मा कि क्रोध क्रोध को थूक दो, अपना रास्ता में चलो, अपने रास्ते में चलो, वो सारी चीजें बिल्कुल छोड़ दें, मतलब अपने काम से काम रखो, काम से काम। बहुत राधे राधे महाराज जी, बहुत कृपा हुई जो आपके जो दर्शन मिले और आपके आशीर्वचन मिले, ऐसी कृपा बनाए रखना कि संतों के दर्शन करते रहे और ठाकुर जी के स्मरण में लगे रहे जी। प्रेमियों अब हम चलते हैं महाराज जी को प्रणाम करते, क्योंकि आप देख रहे हैं महाराज जी को जो प्रसाद तैयार कर रहे हैं अभी भी अपनी क्रियाओं में है, तो ज्यादा समय नहीं होता, ये तो आशीर्वाद था महाराज जी का जो हमें थोड़ा समय मिल गया। श्री राधे राधे भगवान। प्रेमियों आप देखो महाराज जी का प्रसाद तैयार हो रहा है और हम भी चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि महाराज जी जो अभी बता रहे थे ना कि अपनी साधना में रहते हैं, ज़्यादा समय मतलब किसी से कोई ज़्यादा वो नहीं होता है। तो आपने जो दिव्य दर्शन किए महाराज जी के,
और जो ठाकुर जी के बारे में जाना है नई चीज, तो आपको जैसा भी लगे कमेंट करके अवश्य बताना, और कमेंट में राधे राधे तो अवश्य लिखना, और चैनल से जुड़िए क्योंकि सत्संग बहुत दिव्य सत्संग है ये, दिव्य साधुओं के जो आशीर्वचन हम प्राप्त कर रहे हैं ये साधारण नहीं है, ठाकुर जी की कृपा है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप। तो मिलते हैं ऐसे सत्संग में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।